हेलो फ्रेंड्स, लेवल ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे आज का दिन का जो मेरा इंट्राडे सेशन रहा वो कैसा रहा, साथ ही साथ कुछ स्टॉक आज के डेट पे जो अच्छे पोजीशन पे मिल रहे हैं स्विंग ट्रेड के लिए हो या फिर इंट्राडे के लिए नेक्स्ट डे के लिए, तो इसके लिए हम स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ कुछ स्टॉक देखेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, जो स्टॉक हमने पिछले वीक में सजेस्ट किए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो बेसिकली वीकली रिव्यू भी होगा। तो बिल्कुल बने रहिए एंड नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन वो आ रहा है, क्योंकि ये हफ्ता तो ऑलरेडी एंड हो चुका है। फर्स्ट नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे तो 1 मई को छुट्टी है, फिर 2 दिन भी छुट्टी है, तो 4 तारीख को जाके मार्केट ओपन होगा। तो 4 तारीख के लिए भी देखेंगे कुछ स्टॉक। तो इस वीडियो को जो है बहुत लंबा होने वाला है, तो बिल्कुल बने रहिए एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले तो देख लेते हैं क्विकली जो स्टॉक मैंने आज ट्रेड किए हुए हैं, है ना। तो उनमें से अगर आप देखोगे तो ये सारे स्टॉक मैंने आज मॉर्निंग में ही अपने वॉच लिस्ट पे बना के रखे थे। ये इसमें से अगर आप देखोगे ऊपर की 3 छोड़ के 4 छोड़ के वेदांता से लेके, वेदांता में ऑलरेडी मोमेंटम हो गया था 9:45 को, इसलिए इसको कैच नहीं कर पाया। इंडिगो में ट्रेड हुआ एंड महिंद्रा में ट्रेड हुआ। स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में पूरा स्ट्रैटेजी के साथ स्टॉक सिलेक्शन सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा करता है, काम करता है बिल्कुल। आप इस में थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है ट्रेड आराम से कर सकते हैं। इसमें से जो मुझे पहला जो ट्रेड पोजीशन मेरा दिखाता हूँ, पहला जो पोजीशन था इंडिगो में 1500 का एंड महिंद्रा महिंद्रा में 600 का प्रॉफिट हुआ, तो कुल मिला के 2000 का प्रॉफिट था। टारगेट था मेरा 2000 का, वो अचीव हुआ है। तो इसमें से अगर आप देखोगे तो इंडिगो में जो 15 इंडिगो का पहला देखते हैं, पहला जो ट्रेड बना था इंडिगो में बना था। तो इंडिगो का ये 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है, तो ये यहाँ पे देखिए देखिए सुबह से ये अच्छा खासा अपमूव में जा रहा था। अपमूव जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ट्रायंगुलर पैटर्न इसने फॉर्मेशन किया हुआ था। इसको अगर आप थोड़ा नीचे करोगे तो ये देखिए एक ट्रायंगुलर पैटर्न है। तो ये ट्रायंगुलर पैटर्न को इसने ब्रेक जो ब्रेकआउट दिया था वो यहाँ पे दिया था। इसका जो वॉल्यूम आप देखोगे, वॉल्यूम को कंसिडर करते हुए ये हम मान सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। तो उसके बाद मैं रेड कैंडल को वेट कर रहा था, रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ। ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ इसके हाई पे मैंने बाई किया हुआ था, है ना। इसके हाई पे मैंने बाई किया हुआ था एंड जो स्टॉप लॉस था बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस रहता है, मतलब इसके नीचे ही। पहले तो मैं थोड़ा मार्जिन रख के 1-2 रुपए नीचे लगाता हूँ, फिर बाद में ट्रेल कर लेता हूँ। तो बेसिकली इस कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस था। उसके बाद देखिए इमिडिएटली जो टारगेट था हमारा, टारगेट यहाँ से लेके स्विंग लो तक मैं टारगेट रखता हूँ, मतलब टारगेट स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा रहता है, टारगेट बिल्कुल बड़ा रहता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही अच्छा काम करता है, रिस्क रिवार्ड भी के हिसाब से भी बहुत अच्छा काम करता है। सिर्फ आपको जो है सही ट्रेड सही टाइम पर ढूंढना है। उसके बाद देखिए स्टॉक में कितना बड़ा मोमेंटम आया, आप सोच सकते हैं। यहाँ पे मैंने एंट्री किया और यहाँ पे मैंने जो टारगेट था यहाँ पे था 981 से लेकर 992, लगभग 11 पॉइंट का जो है यहाँ पे मेरा टारगेट था, ठीक है ना। तो 11 पॉइंट का, लेकिन 1000 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि ये एक राउंड फिगर होता है ना, 1000 के आसपास, क्योंकि वहाँ से भी रिवर्स होने का चांसेस रहता है। तो कहीं ना कहीं ये 9999 पे मैंने इसको प्रॉफिट बुकिंग किया था। स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए बिल्कुल इसके नीचे मैंने लगा के रख दिया था, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो लो बनाया हुआ 989 पे स्टॉप लॉस लगा के रख दिया था, और जो टारगेट था हमको इजीली यहाँ पे अचीव हुआ है। नेक्स्ट ये जो प्रोसेस है, ये कहाँ पे आपको ट्रायंगुलर पैटर्न कैसे फॉर्मेशन करना है वो इस वीडियो पे आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं बताने लगूंगा, कोई ये तो 15 मिनट का वीडियो है, वो जाके आप जरूर देखिएगा अगर इस स्ट्रेटेजी को आपको देखना है। बहुत अच्छा काम करता है लाइव मार्केट में। और नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, ये भी और एक ट्रायंगुलर पैटर्न है, इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कंटिन्यूस ट्रायंगुलर पैटर्न है। सिमिलरली लोअर साइड पे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे सपोर्ट लिया हुआ था, जैसे इसने ब्रेकडाउन दिया इसको मैंने सेल किया था। यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम आउट करके मैं दिखाता हूँ, जूम इन करके। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, हालांकि इसका वॉल्यूम उतनी अच्छा नहीं था जितनी कंसिडरेबली होना चाहिए, फिर भी ठीक ठाक ही था इसका जो वॉल्यूम था प्रीवियसली अगर कंपेयर करोगे तो अच्छा ही था। लेकिन उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ और रेड 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 फॉर्मेशन होते हुए गया, लेकिन इस मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका जो हाई था, ये जो ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई था उसको ब्रेक नहीं किया था। तो अभी भी हम ट्रेड पे थे और मेरा जो एंट्री हुआ था वो इस रेड कैंडल पे लो के नीचे हुआ था। हालांकि एंट्री करते करते टाइम थोड़ा मुझे लेट हुआ, 8.80 पे मेरा
360.80 पे, मतलब एक्चुअली मुझे यहाँ पे 361 पे, नहीं तो 360.95 पे मुझे एंट्री लेना था, जस्ट लो के नीचे एंट्री लेना था, लेकिन मुझे मेरा जो एंट्री 80 पे हुआ था। उसके बाद जो टारगेट था मेरा, देखिए टारगेट यहाँ से लेके अब जो इनिशियल टारगेट था, वो इनिशियल टारगेट स्विंग हाई पे लगा के रखा था, वो बहुत ही लंबा हो जाता है, 363 से लेके आप सोच सकते हैं 361 का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मेरा टारगेट था, 2 रुपये का टारगेट था। लेकिन देखिए यहाँ पे आप कंसिडरेबली अगर आप देखोगे तो यहाँ से फिर से मैंने जो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे लगा दिया था, हालांकि टारगेट में यहाँ से लेके 2 पॉइंट का रखा था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल ही छोटा था, इसके हाई के ऊपर लगाया था। फिर क्या हुआ कि मार्केट जो ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ, नेक्स्ट कैंडल पे ही देखिए 1 मिनट का कैंडल है, और इसका जो वॉल्यूम क्रिएशन हुआ है वो जो मेरा ब्रेकआउट का कैंडल का वॉल्यूम से भी लगभग कंसिडरेबली हाई था। तो इमिडिएटली आपको यहाँ पे ट्रिगर होना चाहिए कि यहाँ से मार्केट रिवर्स जा सकता है। तो जैसे ही ये थोड़ा ऊपर आया, मैं कंसिडरेबली यहाँ पे आने लगा थोड़ा, तो इमिडिएटली मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट किया था। ठीक है, जब भी कोई ब्रेकआउट कैंडल जहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो या फिर ब्रेकआउट कैंडल, इनके वॉल्यूम के ऊपर अगर वॉल्यूम चला जाए कंसिडरेबली, उसके दुगुना 3 गुना ऐसा वॉल्यूम चला जाए, तो हो सकता है कि वहाँ से आइदर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे या फिर वहाँ से रिवर्स ले सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अगर आप इस कैंडल पर भी एंट्री, मेरा एग्जिट भी थोड़ा यहाँ पे गड़बड़, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी 1000 के ऊपर प्रॉफिट दिखा रहा था और जो बुक होते टाइम 652 का बुक हुआ है, तो कोई बात नहीं, 2000 का प्रॉफिट तो हो गया है। तो ये दोनों ट्रेड पर मुझे मिला था, इसका स्ट्रैटेजी आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो को, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो क्विकली देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो अच्छे पोजीशन पे मिल रहे हैं। तो एक मिनट, पहला जो स्टॉक है वो है सिप्ला का। तो सिप्ला को यहाँ पे 1 आवर कैंडलस्टिक चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिप्ला को अगर आप देखोगे, ये 1 आवर कैंडलस्टिक चार्ट है, अगर कुछ दिनों से देखोगे सिप्ला एक एक्युमुलेशन मोड पे है, मतलब एक रैली के बाद यहाँ पे एक्युमुलेट हो रहा है, और एक्युमुलेट होने के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ये फाइंड आउट करना है कि एक्युमुलेशन के अंदर इसमें कौन से ट्रेंड है। अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ एक्युमुलेशन के अंदर, मतलब ये ऊपर से यहाँ से लेके नीचे से यहाँ तक इस रेंज पे रेंज बाउंड ट्रेड चल रहा है, उसके बीच अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट करते हुए नीचे की ओर आया है, मतलब ये ब्रेकडाउन आप इसको बोल सकते हैं, मैं ब्रेकआउट बोलता हूँ दोनों को, या इधर अपसाइड हो या फिर डाउनसाइड हो, आपके लैंग्वेज में इसको ब्रेकडाउन भी बोल सकते हैं, और ब्रेकडाउन हुआ है तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर इसके नीचे आए तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है ये गैप फिल करते हुए आपको नजर आएगा। तो बिल्कुल आपको इसमें जो ट्रेड जो व्यू रहेगा आपका वो है नेगेटिव साइड पर रहेगा, है ना, नेगेटिव साइड इज इन द सेंस कि सेलिंग साइड पर रहेगा। अगर मंडे को अगर मार्केट ओपन होता है, थोड़ा गैप अप भी ओपनिंग होता है और यहाँ पे थोड़ा जाता है ऊपर, तो फिर आप जो है इसमें जो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और ट्रेंड लाइन ड्रॉ के ब्रेकडाउन पे आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, या फिर आप जो अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तो कहीं ना कहीं आपको वेट करना है कि कब ये इस लेवल के नीचे जाके क्लोजिंग दे, फिर आप नेक्स्ट डे पे ट्रेड करोगे, ना कि उसी दिन आप ट्रेड कर लोगे, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको ट्रेड करना है कि डिपेंड करता है कि मार्केट कौन से ओपन हो रहा है, मतलब ऊपर ओपन होना है नीचे ओपन हो, वो चीज़ को आपको इसमें ऑब्जर्व करना है। दोनों चीज़ों के बारे में मैंने सिनेरियो के बारे में बोल दिया। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर आप वेट करोगे कि कब ये यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल ले, आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे इस पे ट्रेड ले सकते हो। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर आप इसको छोड़ दीजिए, आप थोड़ा वेट करिए कि यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होकर नीचे गिरने लगता है फिर आप इसमें ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का। तो इसमें भी 1 आवर कैंडलस्टिक चार्ट है, वो क्लियर कट है आपके सामने कि ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट है जो ये ट्रेंड लाइन के आसपास है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करके ऊपर की ओर जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अपसाइड में मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स देखिए एक चैनल पैटर्न है में फॉर्मेशन कर रहा है, इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ तो आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन से यहाँ पे कितनी बार इसने रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले रहा, अभी क्या कर रहा है स्टॉक, अभी यहाँ पे है। अभी मंडे को अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर ये ऊपर चलने लगेगा। तो दोनों सिनेरियो में आपको देख के चलना है कि कैसे आपको ट्रेड करना है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है बंधन बैंक का। तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, तो देखिए ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न को ऑलरेडी ब्रेकआउट करके अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है, लेकिन टारगेट अभी भी इसमें बाकी है। अगर सेम लेवल पे ओपनिंग होता है और थोड़ा ऊपर जाता है तो फिर आप इसमें बाय लेवल पे ट्रेड कर सकते हो, नहीं कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग थोड़ा सा भी 1% के ऊपर होता है, 1% के
अंदर होता है तो फिर इसमें एक और भी एक पोटेंशियल मोमेंटम रहेगा अपमूव के लिए। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान बना के अपसाइड में ट्रेड कर सकते हो, इसमें जो व्यू रहेगा आपका बाई के लिए रहेगा। तो ये थोड़ा जूम आउट करता हूँ, तो ये जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ ये स्विंग हाई को जोड़ के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन को इसने टच करना चाहिए। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के बाद अभी तक भी अचीव नहीं हुआ है, यहाँ पे भी टारगेट अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखते हुए आप इसमें ऑब्जर्व बना के रख सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है भारत फोर्ज का। देखिए भारत फोर्ज यहाँ पे भी देखिए इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, ब्रेकआउट तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन कभी कहीं अभी तक नहीं मिले, मतलब ब्रेकआउट एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद ये देखिए कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। अगर मंडे के दिन मार्केट ओपनिंग होता है और यहाँ पे नीचे आता है फिर यहाँ से एक बाउंस बैक लेके ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है तो फिर हमको वेट करना है एक रिट्रेसमेंट का, रिट्रेसमेंट और इस लेवल तक ही आना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ से अगर घूम जाता है तो फिर इसको छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं इस लेवल पे अगर ये बाउंस बैक लेके वहाँ से प्राइस एक्शन हायर हाई का फॉर्मेशन होता है या एक पुल बैक का फॉर्मेशन होता है फिर आप इसमें ग्रीन कैंडल पे हाई पे आप एंट्री ले सकते हो, ये सा स्ट्रेटेजी है इसमें। अगर ये जैसे इसमें देखिए इसमें एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होता है और एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन होता है, अगर ये ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल है तो फिर आप इसमें लेवल प्रॉपर लेवल के ऊपर ही ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर है। अगर ये स्लोपिंग वाला ट्रेंड लाइन है जैसे 40 to 60 डिग्री का स्लोपिंग वाला ट्रेंड लाइन है तो फिर आप इसमें फिबोनाची भी ऐड कर सकते हैं, 38%, 33%, 60%, 50% का ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉपर लेवल का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एक्साइड इंडिया का। देखिए एक्साइड इंडिया में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक चैनल पैटर्न है इसको बोल सकता हूँ, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया ये चैनल पैटर्न पे धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊपर जाने के बाद यहीं से ही बिल्कुल उसी जगह से ही रेजिस्टेंस लिया हुआ है। अब यहाँ से अगर रेजिस्टेंस ले तो उसको शॉर्ट के लिए तो यहाँ पे आना चाहिए एटलीस्ट इस ये जो ट्रेंड लाइन था, ये एक दिन में अचीव होगा, 2 दिन में अचीव होगा नहीं पता, लेकिन इसमें जो व्यू रहेगा आपका वो है नेगेटिव साइड पे फिलहाल के लिए रहेगा, है ना। अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइन ड्रॉ ब्रेकआउट पे आप इसको ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड पे, मतलब सेलिंग साइड पे। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में देखिए इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक चैनल अकोमोडेशन का फॉर्मेशन था, जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया यहाँ पे गया फिर ये नीचे आया, अभी यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके जहाँ पे उसने पिछले बार रेजिस्टेंस लिया था उसके आसपास आके ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको अगर ब्रेक करेगा प्रॉपरली अच्छे वॉल्यूम के साथ और रिट्रेसमेंट इस लेवल से होके फिर ऊपर जाता है तो फिर इसमें और एक अपमूव इसमें इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में हो सकता है। तो ये सारे स्टॉक है जो वॉच लिस्ट में आज के ट्रेंड पे है बहुत अच्छे टेक्निकल पोजिशन पे। क्विकली देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो पिछले वीडियो पे सजेस्ट किए हुए थे, उसमें से अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक एंड सन फार्मा। देखिए सन फार्मा में बहुत अच्छा, बाकी सारे आप देख लीजिएगा 1 मिनट, क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ था ये सारे ट्रेंड लाइन, अभी मैं फिर से ड्रॉ करूँगा तो 15 मिनट हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन को जैसे ही इसने ब्रेकडाउन दिया तो देखिए इसमें कितने अच्छे तरीके से आज मोमेंटम नीचे की ओर हुआ है, हालांकि आज अगर निफ्टी को देखें 3% ऊपर है लेकिन आज ये स्टॉक गिरते ही गया है, क्योंकि 2 दिन पहले ही इसने इसने ब्रेकडाउन दे चुका था नीचे की ओर इस ट्रेंड लाइन को, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आईसीआईसीआई बैंक को भी देख लेते हैं क्विकली, तो आईसीआईसीआई बैंक को अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है ये एक ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही इसने ब्रेक किया आप देखिए 1 मिनट, ये एक ट्रेंड लाइन था ठीक है और ये एक ट्रेंड लाइन था, तो मैंने बोला था कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को नीचे की ओर ब्रेक करता है तो ये ट्रेंड लाइन के पास आएगा, लेकिन इसने ऊपर की ओर ब्रेक किया और ऊपर की ओर चलता गया है। जैसे इसने ब्रेक किया आप इसको देखिए इसको इसको थोड़ा ऐसे कर प्रॉपरली ये और ये 2 स्विंग हाई को जोड़ के, ठीक है। तो देखिए इसमें ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे उसी लेवल पे ही सपोर्ट लेके ये प्रॉपरली ऊपर गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। आईसीआईसीआई बैंक में भी प्रॉफिट हुआ एंड बजाज फाइनेंस में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन था और ये ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट पे होने के बाद देखिए कितने अच्छे तरीके से ये ऊपर की ओर गया है। सिमिलरली कोटक बैंक ग्लेनमार्क में भी आप चेक कर लीजिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक देखिए ये एक ट्रेंड लाइन था और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कितने अच्छे तरीके से इसमें भी ऊपर गया है। बाकी ग्लेनमार्क में भी देख लीजिएगा, ग्लेनमार्क में हालांकि अच्छा खासा मोमेंटम इसमें हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन तो ब्रेकआउट हुआ है लेकिन उतनी अच्छा मोमेंटम अब लेकिन अभी भी इसमें ट्रेड में है, लेकिन
अभी भी फिलहाल के लिए अभी इसमें मोमेंटम हुआ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक करिए।